और जी मैं उठ चुकी हूँ, नीला को लेने जा रही हूँ। धूप बहुत ज़्यादा सख्त पड़ रही है, मेरी आंखें पकौड़ा हुई हुई हैं, उन पे आपने नहीं जाना क्योंकि फ्रेश फ्रेश उठी हूँ। सो जी मौसम का भी कुछ पता नहीं लगता, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी, आजकल तो पाकिस्तान में यही चल रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम कम बैक टू नीला हिरकती लोग। तो मैं पहुँच चुकी हूँ नीला के घर, अनिला को उसके घर से पिक करके जाऊंगी अपने घर, फिर जाएंगे सलोन। बाजी हाजिर हो। सो आते अब नाश्ता कह रही है, तो मैंने कहा मम्मा ने शायद बना दिए, सुती को मैं अभी इस अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने इतने इतने देखे नीला अपना बना दिया अपने मुताबिक का डाला इसने पकाया मैंने देखे मेरी अम्मा ने अम्मा अंडे इन्ने इन्ने के बोले इन्ने इन्ने अंडे है यार क्यों डेढ़ डेढ़ के हुआ मुर्गी ने छोटे छोटे अंडे दी तेरी मुर्गी ने मौजी करने आई है। नाश्ता हमारा रेडी शेडी है, निकिया निकिया आंडियाँ। तो जी हम आ चुके हैं पार्लर, नीला ऊपर गई हुई है सामान लेने, मैं इधर बैठी हूँ वेट में चाबी के, इधर लॉक लगा हुआ है, वो ओपन करेंगे, शॉप वगैरह साफ करेंगे क्लाइंट से जैसे कि आपको पता है। सो फिर गंद पड़ता है वो भी खुद उठाना पड़ता है जनाब, इधर कोई लैंड लॉर्ड नहीं लगा हुआ है कि हमने 100-100 नौकर रखे हो जो काम करने के बाद सफाई भी करे, खुद ही करनी पड़ती है हमें, ठीक है ना। नाल नाल मुँह भी संवारो तो नाल नाल काम भी करो, सारा कुछ जिंदगी का नाल नाल ही चलता है जी। अब नीला आती है तो फिर अपना काम शुरू करता है सफाई सफाई का, तो नहाइयाँ धोइयाँ करनी है। ये देखे तेल वगैरह किया था मैंने, और जो हम रेंट के लिए घर ढूंढ रहे थे वो मिल चुका था। किस लिए ढूंढ रहे थे वो मैं आपको बताती हूँ, हमारे ऊपर जो रहते हैं रेंट पे उनको मूव करवाना है, शिफ्ट करवाना है, बिकॉज नीला के मामू आ रहे हैं बाहर से, बाहर से नीला के मामू आ रहे हैं 20 साल बाद, तो उनके लिए जी उनको अब मूव करवाना पड़ रहा है 20 साल बाद। नीला के मामू कूच करके इधर आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो खैर करिए अच्छे आए, तभी अब उनको भी कूच करवा रहे हैं, तो अब देखते हैं उनको कब शिफ्टिंग करते हैं वो कब नहीं, तो नीला आ जाए फिर काम शुरू करते हैं। वेट 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 मोर देन नीचे आ चुकी है चार्जर चूर्जर पोछा लेके, क्योंकि आज हमारा डे निकलेगा नीचे शॉप पे, तो गंदा आप देख सकते हैं सारा मैस क्लियर करना है, जैसे कि बुकिंग गई चौकवाई थी तो काफ़ी मैस मैस था, आज वैक्स भी करेंगे। हाँ जी जानी जी जनाब कर दो साफ, मेरी जान का गंद देखे कितना मैस डालती है ये काम करते हो, इतना मैस चीजें भी नीचे फेंक देती, मैं क्या करूँ इसका, क्या करूं मैं इसका, मुझे बताएं आप क्या करूं मैं इसका, चीजें तोड़ती है, और ये टप्पू भी रखना है उसके अंदर। हुई हो चुकी है क्लियर, अब बस ये जो रमजान का हमने लगाया हुआ था सेटअप इसको भी कर रहे हैं स्किप, बिकॉज रमजान करीम जा चुके थे तो टाइम ही नहीं लगा इनको स्किप करने के लिए, अब चीजें हम वाइंड अप कर रहे हैं, मसाले उठाने लगे हैं, स्किप गवा देनी कह कर देनी, ये सारा कुछ अब आलतू जलालतू होगा, आई बला तू टालतू है मोहब्बत ये दुनिया ना छोड़ मुझे दे जा। देखें ये पेंसिलें वगैरह है और मेरे भांजे का काम, अम्मा दिखाओ सुर्खी लगाई हुई है माल करके अम्मी तुसी क्यों अपने आप नू जेनू बना रहे हो, मामा की मामा उसकी नानी लगते हैं, तो नानी की आई हुई है शामत, नानी तेरी मोरनी को मोड़ लेगे ये आ गया है शरारती बिल्ला, नानों के मुंह पे क्या किया, अपने भी मुंह पे किया हुआ है बांदर, ये क्या बन गया बांदर, मैं तेरा नाम सलमान सही पाया बांदर, देखो बांदर मुझे मारने आ रहा है बांदर, मैं ये बांदर ले लो अपना, चावल रोन दे या पप्पा हो गए गई भैंस पानी में, वो मन तो वो डे पतीले च बना दी यार, ये नाना का कीमा
वे नेमन तू खाना जाया कर रही पाइया तो शुरू कर पाइया बना तो शुरू कर पाइया पाइया चीजा बना तो। प्रो मैक्स कुक ने चावल बनाए हैं, चिकन भी जाया की है चावल भी जाया की है। और अब कहती मुझे बातें सुनाओगी, देखो इसका काम खराब कर दिया है और मिर्चों का धूस डाल दिया। अब यार खाना खाना था तो गई भैंस पानी में, आज काम ते भी नहीं गई है, नशा किता सी। सो आज एमन ने सुट्टे लगाए थे जिसकी वजह कीमा टकीमा हो गया है, तो लही अब बख्शे इसके ससुरालियों का क्या हाल हो गए। मन तू कहना जिन्हों जिन च हाथ पाया जेड़ा जिन्हों हाथ पाया वो फाड़ डाला वो साफ हुआ। गाइस खाना लेके आए थे मेरे घर में, राइस जो है उसमें धूस मिर्ची है, धूस मिर्च है। और नीला के घर से सालन लाई वो सड़ गया, तो उसमें से सड़े हुए की स्मेल आ रही है। आज हो गया है हमारा सीना सड़ सर, क्योंकि दो दिन बाद घर अच्छा सा खाना बना था वो भी सड़ सड़ गया। सो अब बाहर से खाएंगे, मंगवाया है खाना, देखते हैं क्या कब आता है, ऑर्डर करवाया है। कहने किसे दा यार ना बिछड़े पर किसे दी रोटी ना बिछड़े, इंज ना होवे किसे दे नाल। मैं हुण जा रही जे गैस कैसे पैसे लेने वो निकलवा के, तो जो फूड ऑर्डर करवाया है उनको देना है। काला पीला नीला वो तो इग्नोर कीजिएगा। सो होया तो बहुत ही माड़ी अज साडे नाल रोटी तो। सो पेमेंट निकलवाने गई थी तो उधर ही मुझे पार्सल वाले मिल गए थे, हमने करवाया था पीस, आ चुका है। 5 मिनट में उसने कहा नहीं था और 5 मिनट में ही आ गया है। मैं थक गई या जेडी भूख लगी से थक गई मैं। इसको सफाई का दौरा जो पड़ा रहता है वो पड़ा हुआ है अभी भी। ओए रब्बा बहुत माड़ी हुई अज था ना, बहुत माड़ी हुई। आ जा जानी ओ जी, हमारे अल्लाह ने फरमाया है कि सब्र का फल बड़ा ही मीठा होता है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा ये जला हुआ भी होता है। तो फाइनली खाना आ चुका है अब जो सही वाला था, बाकी वो हमने वाइंड अप कर दिया है। वो चावल जो मिर्च वाले हैं आप ही खाएंगी, और सालन कौन खाएगा। बड़ी एफर्ट से इसने निकाला, आया हाय हाय कि चिकन का सालन आया है, आया हाय हाय। सो अब जो है ना चावल आप ही को खिला देने हमने मिर्चों वाले, और हाय हाय माशाल्लाह जमा। सो मैं नीला को छोड़ के घर आ गई थी, तो आके मैंने साथ ही ऊपर आई हूँ तो देखा बेड वगैरह, तो मैंने इस बेड को करवाना है मॉडिफाई, बिकॉज ये मेरी मामा के लिए इसका बेड था। तो मैंने सोचा ऊपर वैसे भी तो गल सड़ रहा है, क्यों ना मैं इसको मॉडिफाई कराऊँ। वैसे भी मुझे अपने मम्मा की या अपनी पॉइंट चीज़ों से बहुत लगाव है, तो मैं उन चीज़ों को मॉडिफाई करवाने पर तुर पड़ती हूँ। तो मेरा तो यही सिस्टम चलता रहता है कि पुरानी चीज़ को ही नहीं बनाएं, क्योंकि आजकल की चीज़ें बेकार और इतनी खालस नहीं बनती, पुरानी चीज़ें बहुत ही पायेदार और अच्छी बनी होती हैं। तो इनको ही मॉडिफाई करवा लेना बेहतर होता है, 4 पैसे तो लग जाते हैं बट पुरानी चीज़ का नया करवाने का मज़ा ही अपना होता है। सो मेरा बेड होगा जब तैयार, आपको दिखाऊँगी मैं। सो बेड नीचे उतरवा लिया था हमने, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कुछ लोग होते हैं बहुत सेंसिटिव किस्म के, जो जिनको हर छोटी छोटी चीज़ से लगाव होता है। मुझे हर चीज़ से लगाव है, सो मैं तो हर चीज़ के ऊपर जान दे देती हूँ। जो मेरे अजीज़ हो उनकी निस्बत से हो, पुरानी हो नई हो, उनको मैं नया बनाने में चल पड़ती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि इनमें हर एक के मूवमेंट्स यादें होती हैं। सो मैंने तो अब ये बेड जो है दे देना है बनने के लिए, और जब बन के आएगा तब भी आपको लुक दिखाई जाएगी। बेड रखेंगे हम सैलून में, बिकॉज जो उधर सोफ़ा कम बेड है ना, वो तकरीबन उसको हमारे पास हमारा साथ देते हुए उस मीन्स के गद्दे को तकरीबन 8 साल तो हो गए हैं, जिसकी वजह से उसकी भी जो है ना कैपेसिटी डाउन हो चुकी है। वो भी कहना बस जान छाड़ दो मेरी, मैं बहुत साथ दे छड़िया थोड़ा, हम मैनू छाड़ दियो। सो हम जैसे मीन्स के मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, बहुत सोच समझ के हमें कदम उठाना पड़ता है, हर चीज़ को सोच सोच के करना पड़ता है, अपने बजट के हिसाब से चलानी पड़ती है हर चीज़। सो अब मैंने काफ़ी देर बाद ये बजट निकाला, न्यू बेड लेने का बजट मेरा था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी पुरानी ही चीज़ को मॉडिफाई किया जाए और पुरानी चीज़ को ऐसे यूटिलाइज किया जाए। एक तो वो मजबूती बन जाती है, मैंने बहुत ज़्यादा
जो है ना वोर्ड वाले उनसे बहुत ज़्यादा मशवरा गया। मैंने उनसे नए बेड का भी पूछा और पुराने का भी पूछा, मेरे कम प्राइस में एक बेहतरीन बेड तैयार हो रहा है तो मैं क्यों ना करवाऊँ। उन्होंने कहा आप अगर इस चीज़ को, इन पलंग को मॉडिफाई करवाएंगे तो आपका जो ना स्पेक्स भी कम आएगा और आपकी चीज़ भी बहुत पायदार हो जाएगी। कहता हम जो बनाते हैं वो भी पायदार होते हैं बट ये उसके निस्बत ज़्यादा पायदार है। सो आप बेड बन के जब आएगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि कैसा वो तैयार करवाया है। मैंने आजकल के स्टाइल का ही करवाया है। बाकी जी आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। जी आप बहुत कंजूस हैं, आपने कहाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, फिर भी मैं आपको कह देती हूँ भाई कर देना। अगर पसंद आए हमारा व्लॉग तो हमारी एफर्ट्स पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।